अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी थप इलाज के लिए सिरोया के काठमांडू ल जाओल गेल मुख्य प्रसंग स नागरिकता कृत्य समय प्रहरी हिरासत में रहल कांतिपुर मीडिया ग्रुप के अध्यक्ष कैलाश सिरोया के हेलीकॉप्टर से काठमांडू ल जाओल गेल जनकपुर धाम के काव्य अस्पताल में शुक्र दिन इलाज के लिए भर्ना भेल हिनका डॉक्टर एस के सिंह आ डॉक्टर पंकज कुमार साय के सिफारिश में थप इलाज के लिए काठमांडू पठाएल गेल सिरोया के सिमरिक एयर के हेलीकॉप्टर से काठमांडू पठाएल गेल तो हिनका ललितपुर में रहल मेडिसिटी अस्पताल में ल जाएल जात धमसा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी रंजन आवाज जानकारी देने सलैन। सिरोया के अदालत के अनुमति के बाद प्रहरी जेठ 8 गते मंगल दिन कांतिपुर के कार्यालय से नियंत्रण में लकर जनकपुर धाम अन्य सल धमसा जिला अदालत हिनका पहिल दोसर आ तेसर बेर तीन तीन दिन के म्याद थप के नहीं तो दोसर बेर के म्याद थप भेल दिन के साँझ में हिनका उच्च रक्तचाप आ धड़कन संबंधी समस्या देखल गेलाक बाद प्रहरी प्रादेशिक अस्पताल में लक पहुँचल सल। सरकार आगामी आर्थिक वर्ष के लिए 18 खरब 60 अरब 30 करोड़ रुपया के बजट सार्वजनिक कलक मंगल दिन संघीय संसद के दोनों सदन में अर्थमंत्री वर्षमान पूर्ण आर्थिक वर्ष 2081-82 के लिए उक्त आकार के बजट सार्वजनिक केने सैन। कुल विनियोजन मध्य सरकार चालू दिस 61.31% अर्थात 11 खरब 40 अरब 66 करोड़ रुपया विनियोजन केने अना पूंजीगत दिस 18.94% अर्थात 3 खरब 52 अरब 35 करोड़ आ वित्तीय व्यवस्थापन दिस 19.74% अर्थात 3 खरब 67 अरब 18 करोड़ रुपया विनियोजन के ने अर्थमंत्री जानकारी देने सैन। ये खर्च अनुमान चालू आर्थिक वर्ष के विनियोजन के तुलना में 6.2% से अधिक आ संशोधित अनुमान के तुलना में 21.56% से बेसी रहल अर्थमंत्री जानकारी देलन। कुल विनियोजन में प्रदेश आ स्थानीय तह में वित्तीय हस्तांतरण दिस 4 खरब 8 अरब 87 करोड़ विनियोजन कैल गए तो अर्थमंत्री पूर्ण आगामी आर्थिक वर्ष के लिए अनुमान के ने खर्च ब्यौरा स्रोत मध्य राजस्व से 12 खरब 60 अरब 30 करोड़ आ वैदेशिक अनुदान से 52 अरब 33 करोड़ संगे 5 खरब 47 47 अरब 67 करोड़ न्यून होब जानकारी दल गए। उक्त न्यून पूर्ति कर वैदेशिक ऋण से 2 खरब 17 अरब 67 करोड़ छुट्याव अर्थमंत्री पूर्ण जानकारी दिलन। आगामी आर्थिक वर्ष का लागि अनुमान गरिएको खर्च बिहोर्ने स्रोत मध्य राजस्वबाट रु 12 खरब 60 अरब 30 करोड़ र वैदेशिक अनुदानबाट रु 52 अरब 33 करोड़ बेहोर्दा रु 5 खरब 47 अरब 67 करोड़ न्यून होने सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट 2 खरब 17 अरब 67 करोड़ जुटाइने राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु 3 खरब 30 अरब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने छ। अब म आर्थिक वर्ष 81-82 को राजस्व नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक क्रियाकलाप र लगानी मैत्री कर प्रणालीको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने गरी राजस्व प्रणाली सुधार गर्ने सोचका साथ राजस्व नीति प्रस्ताव गरेको छु। नयाँ व्यावसायिक ढाँचा र डिजिटल माध्यमबाट हुने आर्थिक कारोबारमा समन्यायिक कर लगाउने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचलित असल अभ्यास अनुकूल राजस्व सम्बन्धी कानुन तर्जुमा र अध्यावधिक गरी राजस्वको आधार संरक्षण गर्ने र राजस्व प्रणालीलाई देशको कुल राष्ट्रिय आयसँग तादाम्य बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छु। राजस्व नीतिका उद्देश्य देहाइ बमोजिम रहेका छन्। राजस्व प्रणालीमा सुधार गरी मुलुकभित्र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार लगानी प्रवर्धन स्वदेशी उत्पादन एवं उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रशय दिनु राजस्वको दायरा विस्तार र कराधार संरक्षण गर्दै दिगो पारदर्शी एवं समन्वयिक राजस्व प्रणाली विकास गर्नु करदाता शिक्षा र सचेतनामूलक कार्यक्रमको माध्यमबाट करको दायरा विस्तार एवं कर परिपालना अभिवृद्धि गर्नु अन्तर निकाय समन्वय सुदृढ गर्दै राजस्व नियन्त्रण गर्नु राजस्व प्रशासनको दक्षता र व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्नु। अब म आगामी आर्थिक वर्षको राजस्वसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु। छुट सहुलियत व्यापार सहजीकरण र लगानी प्रवर्धन
उद्योगले पैथारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुलभन्दा तयारी वस्तुको पैथारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एक तह कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र प्रशय दिन औषधि इन्डक्सन चुलो धागो हेलमेट अगरबत्ती सेनेटरी प्याड काजु बडाम प्रशोधन स्प्रिङ पत्ता बनाउने उद्योग लगायतका उद्योगको कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तशुल्क घटाएको छु। होइन हो, राजस्व परिचालन आ वैदेशिक सहायता परिचालनमे 3.30 अर्ब आन्तरिक ऋण सभ्य हो र जिक्र केने सँगै औषधि इन्डक्सन चुल्हा धागा हेलमेट अगरबत्ती सेनेटरी प्याड काजु आ बदाम प्रशोधन स्प्रिङ पत्ता लगाबो उद्योग लगायतके उद्योगके कच्चा पदार्थमे लाग पैठारी महसुल आ अन्त शुल्क घटाव जानकारी देलनि। सूचना प्रविधि उद्योग अपन नाफा पूँजीकरण केनेमे लाग लाभांश करमे छूट देव व्यवस्था मिलाएल गेल हिनकर कहब अछि। मन्त्रीपूर्ण कर विवादके कारण भोग पड़ल समस्या एवं मर्काके सम्बन्धमे करदातासँ उपराग आबि रहल सन्दर्भमे कर निर्धारण लगायतके विषयमे अध्ययनक समस्या समाधान हैत जिक्र केने छलथि। सरकार नेपालकै विवाह गन्तव्यके रूपमे विकास गर लागल अछि। आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 बजेट सार्वजनिक गर्दा अर्थमन्त्री वर्षमान पुल सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यके विवाह गन्तव्यके रूपमे विकास गर जानकारी देलनि। ओ कहले नेपालमे वैवाहिक समारोह गर आब पर्यटकके सहजीकरणक सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यके विवाह गन्तव्यके रूपमे विकास कयल जायत। राम जानकी विवाह स्थल जनकपुरके वेडिंग हब आ गौतम बुद्ध जन्म स्थल लुम्बिनी के वेस्टिंग हब के रूप में प्रबंधन कर जानकारी देलनि। सरकार आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 में कृषि तथा पशुपंछी मंत्रालय के लिए 57.29 अर्ब रुपया बजट विनियोजन केने अछि। संसद में आगामी आर्थिक वर्ष के बजट प्रस्तुत करते अर्थमंत्री वर्षमान पुन कृषि क्षेत्र के थप विकास आ आधुनिकीकरण के साथे उत्पादन वृद्धि के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सब समेत सार्वजनिक केने छैन। बजेट में अर्थमंत्री पुन औषधिजन्य प्रयोजन के लिए गांजा के व्यावसायिक उत्पादन कर कानूनी व्यवस्था मिलाव जानकारी देलनि। जैविक एवं प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रवर्धन गरिनेछ। रासायनिक विषारीको उपयोगलाई निरुत्साहित गरी जैविक विषारीको प्रवर्धन गरिनेछ। प्रमुख व्यापारिक सहरमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि बाली पशुपन्छी र फलफुलको अक्सन सेन्टर स्थापना गरिनेछ। कृषि बजार क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत स्थान किसानका लागि होल्डिङ यार्ड सञ्चालन गर्न उपलब्ध गराइन्छ। कृषि उपजको निर्यात प्रवर्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय र प्रमुख आन्तरिक विमानस्थलमा शीत भण्डार स्थापना गरिनेछ। निर्यात गरिने कृषि उपजको प्रमाणीकरण र प्रयोगशाला परीक्षण शुल्कमा सहजीकरण गरिनेछ। कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रूपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रतिफल प्राप्त हुन लामो अवधि लाग्ने कृषि तथा फलफुल व्यवसायमा उत्पादन पूर्वको अवधिको कर्जाको ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश स्थानीय तह र निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा गाई भैँसी पालन स्रोत केन्द्र विकास गरिनेछ। स्वदेशमा नै बढी उत्पादन क्षमता भएका दुधालु पशु उत्पादन गर्न गाई र भैँसीमा नस्ल सुधारका लागि ₹38 करोड विनियोजन गरेको छु। पशुपन्छीको महामारी रोग नियन्त्रणका लागि आगामी वर्ष 5 करोड डोज खोप उत्पादन गर्नेछ। आगामी 3 वर्षभित्र पिपिआर र क्लासिकल स्वाइन फिभर रोग उन्मूलन गर्ने गरी निशुल्क खोप अभियान सञ्चालन गर्नेछ। खोरेड रोग नियन्त्रण ऐना मन्त्री पुन कृषि उपज धितो राखिक ऋण लेबसक व्यवस्था मिलाए जानकारी देने छन्। सँगै किसानके समयमे मल खाद उपलब्ध कराव अनुदानके लेल 27.95 अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याए मन्त्री पुन जानकारी देने छथि। सरकार ऊर्जा विकासके लेल 50.74 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन केने अछि। मंगल दिन संसदके संयुक्त बैसारमे आर्थिक वर्ष 2081-82 बजेट पेश करैत अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ऊर्जा क्षेत्रके विकास आ विस्तारके लेल उक्त बजेट विनियोजन केने जानकारी देलनि। मन्त्री पुन आगामी आर्थिक वर्ष राष्ट्रिय प्रणालीके विद्युतीय क्षमता 4500 मेगावाट पहुँचाव प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 450 युनिट लजाई लक्ष्य राखल गेल जानकारी देलनि। भारत होइत आगामी आर्थिक वर्ष बङ्गलादेशमे विद्युत निर्यात गर व्यवस्था मिलाव हिनकर कहब अछि।
100 मेगावटको तामाकोसी 5 औँ, 42 मेगावट मेगावटको मोरी ए र 210 मेगावटको चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। सुनकोसी तेस्रो जलविद्युत आयोजनको विस्तृत अध्ययन गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। 10,800 मेगावटको क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन कार्य सुरु गरिनेछ। सन् 2045 खुट शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले क्रमशः विस्थापन गरिनेछ। ऊर्जा उत्पादनलाई विविधीकरण गर्न निजी क्षेत्रबाट 100 मेगावट सौर विद्युत जडान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। हरित हाइड्रोजन प्रवर्धन गर्न अनुसन्धान र विकासका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। हेटौडा दलकेवर इनरुवा र खिम्टी 12 विषय लप्सीफेरी 400 केबी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। कर्णाली कोरिडोर 400 केबी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। हेटौडा रातामाते लप्सीफेरी दमौली न्यू बुटोल लमही डोडोधारा र भेरी कोरिडोर 400 केबी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। सेती कोरिडोर अरुण कोरिडोर दुधकोशी कोरिडोर 400 केबी र बुढी गण्डकी कोरिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। न्यू बुटोल गोरखपुर 400 केबी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। इनरुवा पूर्णिया र दोडोधारा बरेली 400 केबी तथा रसुवा केरुङ 220 केबी अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। प्रसारण लाइनको राइट अफ वेका लागि आवश्यक जग्गाको छुट्टै किता कायम गरी जग्गा धनीलाई विद्युत आयोजनाबाट प्रभावित नागरिक सरह सेयरमा सहभागी गराइनेछ। ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि रु 50,74,00,00,000 विनियोजन गरेको छु। ओ सुखायामके माङके पूर्ति कर बुढी गण्डकी दुधकोशी आ नरसिंहगाड जलाशय युक्त जनविद्युत आयोजना सँगै नौमोरी आयोजनाके निर्माण कार्य आगा बढाव जानकारी गराउने छ। सहकारीके रकम अपचलन सम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समिति गठनके लेल दलसबीच कार्यदेशके विषयमे सहमति भेलै छ। सिंहदरबारमे मंगल दिन बैसल कार्यदेश टुङ्गो लगाव गठित कार्यदलके बैसारसँग समितिके कार्यदेशके सम्बन्धमे सहमति जुटलै। कार्यदल तयार केले समितिके 4 बुन्दे कार्यदेशमे सहकारी संस्था समेत देखल गेल सङ्कट तथा अहिसँग जोडल कानुनी आ संस्थागत परियोजन एवं वित्तीय प्रणालीके नियमन सुपरिवेक्षण आ पारदर्शी सम्बन्धमे अध्ययनक सुझाव देव उल्लेख कयल गेल अछि। संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको छ। कार्यक्षेत्र सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने। 2, समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने। 3, नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकरण गरेका अनुसूची 1 उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्याको समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सोको अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने। 4, सहकारी संस्था सदस्य सेयरधनी एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनबिन अपचलन र अनुचित लेनदेन गरी हानि नोक्सानी पुर्याएको भनी सङ्घीय संसद र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची 2 उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणाली लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रभाव भएको रकमको स्थिति सो रकम गैरकानुनी रूपमा प्रभाव भए नभएको र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारवाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने। समितिमे 7 सदस्य आ 3 महिनाके अवधि तोक सहमति भेलैस त सहमति भेल सँगे कार्यदल सदस्य सब सिंह दरबारमे प्रधानमन्त्री प्रचण्डके कार्यदेशके अन्तिम प्रतिवेदन समेत बुझाउने छल। अहि क्रममे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अपन भूमिकाके कुशलतापूर्वक पूरा क्रममे कार्यदल संयोजक सहित सब सदस्यके धन्यवाद देने छलै। 17 गणतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रमके आयोजनाक मनाएल गेल अछि।
दिवस के अवसर में गणतंत्र दिवस 2081 मूल समारोह समिति मंगल दिन काठमांडू के सैनिक मंच धुरी खेल में विशेष समारोह के आयोजना कने समारोह में हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वृष्टि के साथ गणतंत्र दिवस 2081 लिखल गेल बैनर समेत प्रदर्शन कैल गेल। अही अवसर में काठमांडू भरतपुर आ ललितपुर महानगर पालिका क्षेत्र के परंपरागत सांस्कृतिक झांकी प्रस्तुत समेत कैल गेल। समारोह में नेपाली सेना नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल द्वारा मार्च पास संगे सेना आ सशस्त्र प्रहरी के संयुक्त टोली राष्ट्र आ राष्ट्रीयता के उजागर कर गीत संगीत के धुन प्रस्तुत समेत कने। समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड प्रधान न्यायाधीश सभामुख राष्ट्रीय सभाक अध्यक्ष लगातक संवैधानिक निकाय के प्रमुख मंत्री सहित उच्च सरकारी अधिकारी सभक उपस्थिति सेहो देखल गेल। सरकार वैदेशिक रोजगार में गेल सबके बिना धितो ऋण सुविधा देव कार्यक्रम आनने। आगामी आर्थिक वर्ष के बजट प्रस्तुत करते अर्थ मंत्री वर्षमान पुन वैदेशिक रोजगारी में गेल सबके बैंक खाता में रेमिटांस पठाव बिना धितो ऋण सुविधा देव कार्यक्रम अन्य जानकारी दिलन। वैदेशिक रोजगारी के व्यवस्थित केने संगे आगामी आर्थिक वर्ष में 3 रोजगार के गंतव्य देश सब संग श्रम समझौता कर जानकारी दिलन। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय 8 अरब 10 करोड़ बजट विनियोजन कैल गेल हिनकर कहबै। सार्वजनिक निर्माण तथा मर्मत सम्भार आयोजना का काम में सहभागी कराई करीब 2,00,000 व्यक्ति न्यूनतम 100 दिन को रोजगारी प्रदान गरिने छ। यस कार्यक्रम लागि रु 6 अरब विनियोजन गरेको छु। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित गर्न कूटनीतिक नियोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनेछ। गन्तव्य मुलुकमा अलेखबद्ध श्रमिकको दर्ता गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष थप 3 प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सिपयुक्त बनाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्व गरिने अभिमुखीकरण तालिमलाई क्रमशः निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका आश्रित परिवारलाई कल्याणकारी कोषबाट प्रदान गरिने लाभको दायरा विस्तार गरिनेछ। यस सम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान सिप र पुँजी मार्फत उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा 1,00,000 रिटर्नीलाई स्वरोजगार बनाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैङ्क खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराइनेछ। मन्त्री पुन सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लेल 15 अरब 70 करोड़ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयके 11 अरब 91 करोड़ बजेट छुटिएने जानकारी दिने अछि। उप प्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानी महिला ट्राफिक प्रहरीके महिनावारीके 4 दिन बाट पर ड्युटी नै खटाव घोषणा केने छथि। गणतन्त्र दिवसके अवसरमे सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत ओ यह घोषणा केलन। महिला ट्राफिक महिनावारी भेल समय ड्युटीमे काज नै कर हिनकर सभक ठाममे मादक पदार्थ सेवन लगायत ट्राफिक नियमके उल्लङ्घन केने सबके स्वयंसेवकके रूपमे सहयोग कराब लामिछानी घोषणा केलन। टुडे समाचारमे अब आर्थिक सम्बन्धी समाचार। सुनके दाम आय तोलाके 400 रुपैयाँसँग बढल अछि। नेपाल सुन चानी व्यवसायी महासङ्घके अनुसार आय सुन 400 रुपैयाँसँग बढिकऽ तोलाके 1,37,600 कारोबार भ रहल अछि। काल्हिखन सुन तोलाके 1,37,200 रुपैयाँमे कारोबार भेल छल तऽ अहिना आइ चाँदीके दाम सेहो बढल अछि। चाँदी आइ तोलाके 40 रुपैयाँसँ बढिकऽ 1,920 रुपैयाँमे कारोबार भऽ रहल महासङ्घ जानकारी देने अछि। सङ्गे काल्हिखन चाँदी तोलाके 1,880 रुपैयाँमे कारोबार भेल छल। बेस्त टुडे समाचार अखनके लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित होबेटा करब। तखन धरिके लेल हम सपना विदा मङ्गै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।